थाना पागवाड़ा क्षेत्र में किसी बात को लेकर स्कूली छात्रों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक युवकों ने एक छात्र के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट की सूचना पाकर पागवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्र को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया, जिसका वहां पर मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। घायल छात्र ने अपना नाम नुमान बताया। आज सुबह 10 बजे वह स्कूल जा रहा था, तभी पागवाड़ा चौकी क्षेत्र के अंडरपास पुल के पास आधा दर्जन से अधिक युवकों ने मुझे घेर लिया और जमकर मेरे साथ मारपीट की। इसके बाद सभी मारपीट करने वाले युवक मौके से फरार हो गए और मेरे स्कूल के कपड़े भी फाड़ दिए। मेरे काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट करने वाले युवकों में कुछ युवक बाहरी युवक भी हैं। पुलिस द्वारा मेरा जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। सभी मारपीट करने वालों के खिलाफ थाना पागवाड़ा पुलिस को तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने घायल छात्र की तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत कर लिया है और पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। सर रोमान, क्या घटना हुई आपके साथ? सर आज मैं 10 बजे के करीब मैं स्कूल जा रहा था, बिलसोनिया स्कॉलर्स हॉल में पढ़ता हूँ मैं। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर छोटे है। आज मैं स्कूल जा रहा था तो कुछ लड़कों ने मुझे रोक कर और मार पीटना शुरू कर दिया, और क्या कहते हैं मुझसे बोलते हैं कि क्या करेगा तू पढ़ लिख करके, हम तो ये घास खोदना देखना चाहते हैं और तू ऐसे ही पिटता रहेगा अगर हमसे कुछ कहेगा तो। कौन से थाने क्षेत्र की घटना है? सर पागबड़ा। कौन लोग हैं जो पहचान? सर 10-12 लोग थे। एक का नाम मुदस्सिर है, उसके पापा का नाम दिलसाद है। एग्जामी है, उसके पापा का नाम अनीस है। उसका दोस्त है एक उबेस। कितने लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी? 7-8 लोग हैं। क्या मांग करते हैं?